सो हेलो गाइस, सबका स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे पास है मारुति सुजुकी अर्टिगा। मारुति सुजुकी का लोगो आप यहां देख सकते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि जो फ्रंट विंडशील्ड है इस पे जो फॉग जमती है उसको कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं गाड़ी मैंने चाबी लगा रखी थी, तो अभी ये गेट अलग बंद करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि भाई इस जो आगे आपकी विंडशील्ड है इसका भाई फॉग कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि देखो सर्दियों में जैसे ही हम निकलते हैं, अब जैसे ये देखो 7 सीटर कार है, तो इसमें क्या होता है भाई फॉग बहुत जल्दी जम जाती है। अगर बंदे में ज़्यादा बैठा हूँ तो बहुत जल्दी फॉग जम जाती है शीशे पर आगे वाले पे। तो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कि भाई एक ऐसा तरीका कि भाई वो फॉग आपकी चुटकियों में गायब हो जाएगी। ये तरीका भाई आप सबको वैसे पता ही होगा, जिसको ना पता हो उसको मैं बताने वाला हूँ आज ये तरीका। तो ये वीडियो पूरी देखना, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके देखे फॉग जमी है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं भी अपनी गाड़ी स्टार्ट करूँगा। इसमें क्या है, क्लच दबाकर ये वाली जो है की यहाँ पर कर दी मैंने गाड़ी स्टार्ट। तो देखिए आज पूरे दिन में पहली बार स्टार्ट हुई है, तो ये देखो ठंडी पड़ी है। और RPM चेक करो इसकी भाई कैसे उठ रही है। अभी आपको बताता हूँ, पहले इस गाड़ी को CNG पे आने देते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक आवाज़ आई होगी, जैसी गाड़ी CNG पर आई ये एक आवाज़ करती है। तो अभी मैंने क्या करा, गाड़ी स्टार्ट करी नॉर्मल जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ये ड्राइविंग पोजीशन है तो मेरी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है फॉग, अब भाई ड्राइविंग करने में आ जाती है दिक्कत। तो उस दिक्कत को सॉल्व करने का तरीका है, गाड़ी आपकी स्टार्ट है, आपने क्या करना है, ये जैसे देख सकते हैं इसमें हमें मिलता है मैनुअल AC, इसमें हम खुद सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, फ़ैन स्पीड कहाँ का आपको चाहिए और ये मतलब कितनी कोल्ड चाहिए कितनी हॉट चाहिए। तो पहले आपको एक बात बताऊँ कि जो फॉग होती है ना शीशे की, वो दो तरीके की होती है, एक होती है जो अंदर से होती है, दूसरी फॉग होती है जो बाहर से होती है। तो दो फॉग के वो होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊँगा जो अंदर की फॉग होती है उसको हटाने का तरीका। तो अंदर की फॉग हटाने का तरीका आपको है बताता हूँ, आपको क्या करना है, इसको फुल ठंडे पे कर देना है, या फिर ठंड है तो आप क्या कर सकते हैं इसको ब्लू पर रखें, इसको ठंडे पे रखें फुल, और AC आपका होना चाहिए ऑन, AC ऑन करना है। एक नंबर पे या दो नंबर पे फ़ैन ऑन कर लिया, ये जो है ना आपका, इसको आपने क्या करना है सबसे लास्ट वाले पे शिफ्ट कर देना है। सबसे लास्ट वाले पे आपने शिफ्ट कर दिया, ये दो नंबर मैंने चलाया है AC, तो अब जितनी फॉग होगी ना ये सारी हट जाएगी। तो ये फॉग आपको दिखाता हूँ कहाँ से हटती है, ये जो देखिए ये वेंट है ना AC के, और ये वहाँ पर भी देखो ये पूरे वेंट बने हुए हैं। तो ये वेंट पता क्या करते हैं, ये ठंडी हवा पास करते हैं जिससे ना आपकी अंदर की फॉग होती है वो पूरी हट जाती है। तो ये आपने क्या करना है, ये आपने तब चलाना है, देखिए आवाज़ देखिए, तो ये आपने तब चलाना है जब आपकी फॉग हो अंदर से। तो ये वाला तरीका बहुत अच्छा तरीका है फॉग हटाने का अंदर से। और दूसरी फॉग होती है जो आपकी बाहर से पड़ती है, बाहर वाली फॉग पड़ने का भाई रीज़न है कि ठंड में जब आप गाड़ी लेके निकलोगे तो धुंध वगैरह जो होती है वो होती है दूसरी बाहर वाली फॉग, उसको हटाने का ये भी एक तरीका है भाई हमारे पास, मान सकते हो उसको हटाने का भी एक तरीका है। ये देखो जो आपने इसको चलाया ना AC को फुल ठंडे में, अगर आपकी बाहर वैसे फॉग है तो इसको आपने क्या करना है, इसको तो यही रखना है, इसको इस वाले पर रखना है, लेकिन जो ये वाला है ना टेम्परेचर वाला, इसको आपने क्या करना है, इसको इधर घुमा के पूरा नीचे कर देना हॉट पे, और हॉट पे चलाना है ये विदाउट AC, विदाउट AC चलाओ या विद AC चलाओ वो आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने चला दी गरम, बिल्कुल मतलब हीटर चल गया, और बाहर वाली जो फॉग है ना शीशे के बाहर जो होगी वो इससे बिल्कुल गायब हो जाएगी। यहाँ से जैसे निकलेगी हवा जो निकलेगी गरम, वो बाहर वाली फॉग पूरी गायब कर देगी। तो भाई ये है अपना दूसरा तरीका फॉग भगाने का बाहर वाली। तो भाई अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई ये देखो जैसे ये चलाया ना, तो मेरे को क्या होता है अंदर से ना इससे हीटर से ना थोड़ी घुटन सी फीलिंग होती है। तो जिसको भी होती है ना भाई वो कमेंट करना, मेरे को बताना ज़रूर। और साथ में भाई अब चलते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बननी चाहिए, बंदों को इंटरेस्ट होना चाहिए, उतनी वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने अगर पहले की वीडियोस नहीं देखी इस गाड़ी के रिलेटेड, अर्टिगा के ड्राइविंग रिव्यू भी डाल रखे हैं बड़े सारे, 0 to 100 स्पीड टेस्ट डाल रखा है, तो वो जाके देखो ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा, प्यार दो वीडियोस में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.